हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ सब्जेक्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स. टॉपिक ऑफ आवर टुडेज लेक्चर इज एग्जांपल्स बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. सो लेट्स सी द विजन एंड मिशन ऑफ द कॉलेज. एक्सेलेंस इन टेक्निकल एजुकेशन टू एम्पावर यूथ. अब मिशन देखते हैं हम. इम्पार्ट क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स विथ एक्सीलेंट टेक्निकल स्किल्स. डेवलप कॉम्पिटेंट एंड एम्प्लॉयबल डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. स्ट्रेंथन इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेशन using suitable method and apply the concept of integration to find area and volume. अब हम देख रहे हैं learning outcome. So after watching this video you will be able to know how to use the method of integration by parts and how to solve examples based on integration by parts. आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का किस तरह से यूज़ करना है और उसका यूज़ करते हुए उसके ऊपर डिपेंड एग्जांपल्स को किस तरह से सॉल्व करना है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा. लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कि अगर इंटीग्रेशन में कोई भी दो फंक्शन दो टर्म अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करते हुए उसे किस तरह से सॉल्व करना है. आज भी हम उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड कुछ और डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स को यहाँ पर सॉल्व करना सीख रहे हैं. हमने लास्ट लेक्चर में देखा है कि x इंटू साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है. यहाँ पर x इंटू साइन x है क्या? नहीं, यहाँ पर है x इंटू साइन 2x. तो अब देखिए कि एंगल चेंज होने से कितना डिफरेंस आ जाता है. तो कंसेप्ट हमारा यहाँ पर भी वही है, सॉल्व करने का तरीका भी वही है. ठीक है, सिर्फ क्या हो जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा सॉल्यूशन में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. ओके, तो सब में पहले हम क्या करते हैं, I इक्वल टू इंटीग्रल x इंटू साइन 2x dx. यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि दो टर्म हैं, दो फंक्शन हैं और उन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है. तो हम क्या यूज़ करेंगे, लिएट रूल. ओके, तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट टर्म दिखाई दे रहा है x और सेकेंड साइन 2x. तो x क्या होता है, अलजेब्रिक और साइन 2x हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक. तो पहले क्या आया, अलजेब्रिक आया है. तो x हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और साइन 2x हो जाएगा हमारा सेकेंड फंक्शन. ओके, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी गेट. किस तरह से यूज़ करते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. जब आप इंटीग्रेशन लिखेंगे तो उसके बाद में dx लिखना नहीं भूलना है. ओके, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू dx, कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट, अगेन इंटू dx. ओके, इक्वल टू एक्स एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ
साइन टू एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस टू एक्स। लेकिन हमारे पास सिर्फ किस टर्म का इंटीग्रेशन है, साइन एक्स का। तो यहाँ पर कहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, एंगल में। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिस्टरबेंस टर्म। और हम डिस्टरबेंस टर्म का क्या लिखते हैं, डिस्टरबेंस टर्म का हम लिखते हैं डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ पर हमें डिस्टरबेंस टर्म का डेरिवेटिव ही लिखना है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, उस टर्म को इंटीग्रेट किया है, ठीक है, उसके बाद में उसका डिस्टरबेंस टर्म आया है। तो इंटीग्रेशन में डिस्टरबेंस टर्म का हम डेरिवेटिव कहाँ पर लिखते हैं, डिनोमिनेटर में। कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में। तो डी बाय डी एक्स ऑफ टू एक्स, ओके, ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन माइनस। तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर, तो देखिए माइनस साइन के पहले जिस टर्म का हम इंटीग्रेशन लिखते हैं, माइनस साइन के बाद भी हम सेम उसी टर्म का इंटीग्रेशन लिखते हैं। अगर नहीं याद आया तो यहाँ पर हमने ये जो इंटीग्रेशन लिखा है वही सेम इंटीग्रेशन को हमें यहाँ पर भी लिखना है, ओके। कुछ भी चेंज होने वाला है क्या यहाँ पर, नहीं, कुछ चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है, बिकॉज की वो सेम टर्म है, ओके। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स हो जाता है माइनस कॉस टू एक्स। फिर से एंगल में डिफरेंस होने की वजह से हम यहाँ पर डिस्टरबेंस टर्म का डेरिवेटिव लिखेंगे, तो वो हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ टू एक्स, ब्रैकेट कंप्लीट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट इनटू डी एक्स। हमारी नेक्स्ट स्टेप हो जाएंगी, हम यहाँ पर माइनस साइन को ब्रैकेट से बाहर लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाय टू को हमने डी बाय डी एक्स से बाहर लिख लिया और डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ओके, माइनस का साइन इंटीग्रेशन। यहाँ पर भी ये जो माइनस है वो हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेकर आ जाते हैं, तो माइनस माइनस गेट क्या हो जाएगा, प्लस, ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस वन इंटू कॉस टू एक्स कॉस टू एक्स। ये टू भी कहाँ आ जाएगा, डेरिवेटिव से बाहर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इक्वल टू यहां पर न्यूमरेटर का टर्म एज इट इज ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, माइनस एक्स कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाय टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन प्लस। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में टू है उसे हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखेंगे, तो वो हो जाएगा वन बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x डेरिवेटिव ऑफ x 1 इक्वल टू x cos 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2
प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x डिवाइडेड बाय 1 कॉस 2x। ठीक है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x होता है साइन x। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 2x। इक्वल टू साइन x प्लस c। तो यहाँ पर फिर से एंगल में डिस्टर्बेंस है, एंगल अलग अलग है, तो ये हमारा हो गया फिर से यहाँ पर डिस्टर्बेंस टर्म। और हम डिस्टर्बेंस टर्म का लिखते हैं डेरिवेटिव, डिस्टर्बेंस टर्म का डेरिवेटिव होता है 2x। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c, क्योंकि यहाँ पर अब इंटीग्रेशन का साइन हट चुका है। ठीक है, तो प्लस c लिखना यहाँ पर बहुत कंपलसरी है। जो स्टेप में आपका इंटीग्रेशन का साइन रिमूव होता है वही स्टेप में आप लोग को प्लस c लिखना पड़ता है। ठीक है, इक्वल टू x cos 2x by 2 as it is plus 1/2। अभी हमने देखा डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या हो जाता है, 2। यहाँ पर हमने निकाला था 2 को हम डेरिवेटिव से बाहर लिख देंगे और d by dx of x क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और 2 into 1 2। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं। अभी हमने इस टर्म का डेरिवेटिव यहाँ पर निकाला है, देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा d बाय डी एक्स ऑफ 2x। ठीक है, वही सेम टर्म हमें अभी भी मिला है d बाय डी एक्स ऑफ 2x। तो हमने फिर देख लिया कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2 होता है। ओके, तो इसलिए हमने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, सिर्फ 2 लिख दिया। ओके, सो I इक्वल टू, आप इसे चाहे तो 1/2 करके भी लिख सकते हैं, माइनस 1/2 इंटू एक्स इंटू कॉस 2x प्लस 1/2, और यहाँ पर जो साइन 2x के डिनोमिनेटर में 2 है उसे हमने ब्रैकेट के बाहर के 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो वो हो जाएगा 1/4 इंटू साइन 2x प्लस सी। ये क्या हो गया हमारा, इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। ओके, वन मोर एग्जांपल देखते हैं। इवेलुएट इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू साइन 3x dx। अभी हमने एग्जांपल देखा, इसके पहले उसमें सिर्फ क्या था, x था, और यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर है। तो देखिए x और x स्क्वायर के आने से क्या डिफरेंस आता है, ठीक है, और कंसेप्ट में क्या चेंज होता है। ओके, हमारा स्टार्टिंग का कंसेप्ट वही रहेगा, सब में पहले हमें फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म क्या करना है, सिलेक्ट करना है, डिसाइड करना है कि हमारा फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट टर्म क्या रहेगा और सेकेंड टर्म क्या रहेगा। उसी के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखिए I इक्वल टू
इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू साइन 3x dx, ओके। सब में पहले फिर से यहाँ पर भी लिख लेना L I A T E x स्क्वायर। अब देखना यहाँ पर x स्क्वायर है, x स्क्वायर कहलाता है अलजेब्रिक फंक्शन, तो a के नीचे लिख देना अलजेब्रिक। साइन 3x कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो साइन 3x। तो पहले क्या आया x स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। बाद में आया साइन 3x, तो ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म, ओके। उसके बाद फिर से हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है देखते हैं किस तरह से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डीएक्स ब्रैकेट इंटू डीएक्स, ओके। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x हमने इसके पहले जो एग्जांपल में देखा वहाँ पर था साइन 2x, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, ठीक है, रिवर्स में जाके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन 3x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन होता है माइनस कॉस x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस 3x। तो हमने देखा था ये जो एंगल है वो है हमारा डिस्टरबेंस टर्म, तो उसका हम लिखते हैं डेरिवेटिव। लेकिन इंटीग्रेशन में हम डिस्टरबेंस टर्म का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ब्रैकेट कंप्लीट, सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स ही लिखने में आ गया था, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, ठीक है। सभी को पता है कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया हमने, डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू द पावर n का, ओके, इनटू ब्रैकेट जो हमें माइनस साइन के पहले में इंटीग्रेशन मिला है वही सेम हमें यहाँ पर भी मिलता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x है माइनस कॉस x, यहाँ पर लेकिन माइनस कॉस 3x, एंगल में डिफरेंस है, और ये जो एंगल है वो हो गया हमारा डिस्टरबेंस टर्म, और हम डिस्टरबेंस टर्म का डेरिवेटिव लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट इनटू dx। माइनस का साइन हम बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 3x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 3x क्या होता है 3। अभी हमने लास्ट वाले एग्जांपल में देखा है, आप उस तरह से स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। माइनस यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो 2 है उसे हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखते हैं, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर में ये जो माइनस का साइन है उसे भी हम अगर इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेकर आए तो ये माइनस माइनस गेट प्लस हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन का साइन लिखा हमने, कर्ली ब्रैकेट हमारा एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा एक्स इंटू इस ब्रैकेट में क्या रहेगा कॉस 3x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 3x 3, ओके, ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल टू
इसे हम लिख सकते हैं माइनस वन बाय थ्री एक्स स्क्वायर कॉस थ्री एक्स प्लस टू बाय थ्री। हमने यहाँ डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन साइन के अंदर जो थ्री लिखा है उसे भी बाहर लेकर आ गए। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स इंटू डी एक्स। ओके, आप लोग के पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स इंटू डी एक्स ये है क्या? अभी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले में ये नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो हमें इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दो फंक्शन हैं और उन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो हमें यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए यही एग्जांपल में फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कितने टर्म के लिए? सिर्फ इतने टर्म के लिए हम फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स में ऐसा होता है कि वहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फिर से यूज़ करना पड़ता है। ओके, आया समझ में सभी को? तो हम यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। इसके पहले हमारे जो भी टर्म रहेंगे वो जैसे के वैसे ही रहेंगे, उन्हें हमें सॉल्व करना है क्या? नहीं, सिर्फ हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन जो टर्म है उसे सॉल्व करना है। I equal to माइनस वन बाय थ्री एक्स स्क्वायर कॉस थ्री एक्स प्लस टू बाय थ्री ब्रैकेट। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सिर्फ यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी पहले देखिए कि फर्स्ट टर्म कौन सा होगा और सेकेंड टर्म कौन सा। तो अकॉर्डिंग टू द लिएट रूल L I A T E, ठीक है, X है हमारा अलजेब्रिक फंक्शन और T है हमारा टिग्नोमेट्रिक, तो यहाँ पर cos 3x ये हो जाएगा हमारा टिग्नोमेट्रिक का टर्म। तो ये होगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, सॉरी, ठीक है, फंक्शन का टर्म है हमारे, हाँ, अलजेब्रिक फंक्शन ये है हमारा फर्स्ट टर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये हमारा रहेगा सेकेंड टर्म। ओके, तो हम इसे किस तरह से अप्लाई करते हैं? फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स। ओके, इन ब्रैकेट कंप्लीट करके फिर से हमें क्या लगाना है यहाँ पर? डी एक्स। हमारा जो स्टार्टिंग का टर्म है वो एज इट इज ही रहेगा, प्लस टू बाय थ्री भी ब्रैकेट के बाहर एज इट इज ही हम लिखेंगे। एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थ्री एक्स क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होता है साइन एक्स। क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स। तो कॉस थ्री एक्स हो जाएगा साइन थ्री एक्स, और ये जो थ्री एक्स है वो है हमारा डिस्टर्बेंस टर्म। तो हम यहाँ पर डिस्टर्बेंस टर्म 3x का डेरिवेटिव लिखेंगे, लेकिन कहाँ पर? डिनोमिनेटर में। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x 1 इंटू
इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x क्या हो जाएगा, साइन 3x, ओके, डिवाइडेड बाय अगेन फिर से 3x है हमारा डिस्टरबेंस टर्म, उसका हम डेरिवेटिव फिर से डिनोमिनेटर में लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट इनटू dx इक्वल टू 1/3 x स्क्वायर इनटू cos 3x प्लस 2/3 ब्रैकेट x साइन 3x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 3x 3, अभी हमने देखा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू साइन 3x साइन 3x इंटू dx डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 3x 3, डिनोमिनेटर में है ये 3, तो इस 3 को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन साइन से बाहर ही लिख देते हैं, ओके तो ये 3 यहाँ पर आ जाएगा 1/3 और ये ब्रैकेट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये ब्रैकेट को यहाँ पर कंप्लीट करना है बिकॉज कि ये जो 2/3 है वो कंप्लीट टर्म के लिए है, ओके आई इक्वल टू -1/3 एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 3x प्लस 2/ ये 3 को हम ये 2/3 से चाहें तो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो 2 एज इट इज 3 इंटू 3 9 इंटू एक्स कॉस 3x माइनस ये जो 2/3 है इस 1/3 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये जो प्लस का साइन है जिसे हमने यहाँ पर स्टार किया है वो माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा तो अपोजिट साइन गेट माइनस, ओके एंड 2/3 इंटू 1/3 ये हो जाएगा 2/9, ओके तो हमने लिख दिया इन्हें, उसके बाद क्या रह गया, उसके बाद सिर्फ रह गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x नहीं पता है तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x पता है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x होता है माइनस कॉस x, ओके तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 3x, फिर से यहाँ पर जो एंगल है वो हमारा डिस्टर्बेंस टर्म हो गया और उसका हम डेरिवेटिव लिखेंगे लेकिन फिर से डिनोमिनेटर में, डेरिवेटिव ऑफ 3x ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c, बिकॉज कि यहाँ पर अब इंटीग्रेशन का साइन जो है वो रिमूव हो चुका है, 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 3x प्लस 2/9 इंटू एक्स इंटू साइन 3x माइनस माइनस गेट, इन दोनों माइनस साइन का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस माइनस गेट प्लस 2/9 एज इट इज इंटू कॉस 3x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 3x 3 हो जाएगा और 9 इंटू 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है तो हम इस स्टेप में इसे कंप्लीट कर लेते हैं, 9 इंटू 3 ये हो गया 27 इंटू कॉस 3x प्लस सी, ओके तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया इस टर्म का, ठीक है जो सिली सिले स्टेप्स हैं वो अगर नहीं लिखा तो भी क्या कर सकते हो उसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो, उसे क्या करना है आप लोग को जो स्टेप आपको आती है आपको पता है कि हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं
तो वो स्टेप आप डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर नहीं आता होगा तो इसीलिए मैंने आप लोग को एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, दो तीन बार इस वीडियो को देखिए, ये कंसेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इन्हें अच्छे से समझने के बाद ही इसके एग्जांपल्स को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। देख देख के मत करिए, कंसेप्ट को समझ लीजिए, माइंड में एकदम अच्छे से आपकी समझ जाए। अब आपको पता चल जाए कि कौन से स्टेप के बाद कौन से स्टेप आती है, उसके बाद में इसके ऊपर का जो भी आपका असाइनमेंट मिल रहा है उसे आप लोग सॉल्व करिए। ये आप लोग का असाइनमेंट है। ठीक है, ध्यान से वो एग्जांपल को नोट डाउन करिए, फिर इन्हें ट्राई करिए। अब हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम कि हमारे इस कोर्स आउटकम यूनिट नंबर 2 के कोर्स आउटकम के लिए कौन कौन से पीओ यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। तो इसके लिए हमारा PO1 बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये सेटिस्फाइड होता है। आवर अपकमिंग टॉपिक इज एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।